हेलो एवरीवन, वेलकम टू संचिति फैशन डिजाइनर। और नीचे की पाइपिंग अटैच करने के बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट का जो ये नेक है, इस पार्ट को हम अलग करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं साथ में ही पाइपिंग लगा लेती हूँ। तो ये हमारे पाइपिंग का ओन साइड है, तो इसको हम ओन साइड से अटैच करेंगे। यहाँ से हम इसकी स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। और बहुत इजी है इस प्रकार से गले पे पाइपिंग अटैच करना और अपना नेक तैयार करना। तो आप इस पाइपिंग को देखिए बना सकते हो ऐसे डोरी लगा करके अंदर, और फिर इस तरफ में इसको फोल्ड कर दिया है। तो इनकी दोनों साइड ऑफ है। अब जो हमारी मार्किंग की हुई है, इस पे थोड़ा सा पाइपिंग को खींच के लेना है हमें। सिलाई को बिल्कुल मोटा कर ले, बिल्कुल भी बारीक ना रखें, और पाइपिंग को इस प्रकार से खींचते हुए चले हल्का हल्का। देखिए खींचने का मतलब ये नहीं है कि इसको आपने ज्यादा टर्न कर लिया, ज्यादा खींच लिया, नहीं, इसको हल्का हल्का पुश करना है। अब ये यहाँ इसको फोल्डिंग करना है, इस प्रकार से घुमाना है। तो आप इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से इसको घुमा सकते हैं। और ये अगर आपको ये पाइपिंग बनाना नहीं आता है डोरी डाल करके, तो आप मेरी इस चैनल पे सर्च कर सकते हो संचिति फैशन डिजाइनर पे। पाइपिंग बनाने की बहुत सारी वीडियोस हैं, हाउ टू मेक ए पाइपिंग इजी वे। तो इस प्रकार से काफी अलग अलग दिए हुए हैं सब्जेक्ट और पाइपिंग के। तो आप पाइपिंग की वीडियो देख करके बहुत इजी तरीका मैंने पाइपिंग बनाने का बताया हुआ है, तो आप उससे सीख सकते हैं कि आप अपने घर पे पाइपिंग कैसे इजीली तरीके से बना सकते हैं डोरी वाली। और उसके बाद अटैच करने के लिए ये देखिए मैं आपको दिखा ही रही हूँ कि आप इस प्रकार से अटैच कर सकते हैं। तो ये हमारी कटोरी की डिजाइन का ब्लाउज है। अब ये सेंटर आ गया यहाँ पे हमें सुई को अंदर डाल करके रखना है। थोड़ा सा पक्का कर लिया है इस स्टिचिंग को यहाँ पे। अब इसको अंदर डाल के अब हमें ऐसे फोल्ड करना थोड़ी सी, क्योंकि हम अब इस तरफ की साइड में इसको लेकर चलेंगे। तो ये देखिए जैसे कि हमारी सिलाई है वैसे ही हमें पाइपिंग अटैच करनी है। तो इस प्रकार से आप पूरे राउंड पे ऐसे पाइपिंग अटैच करेंगे। अगर हम क्या है कि नेक को कट करके फिर पाइपिंग अटैच करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, जो हमारा नेक है वो बढ़ जाता है, इसकी जो विड्थ है वो बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। इसलिए मैं ज्यादातर जो डिजाइन्स होती हैं उनमें पाइपिंग्स लगा करके फिर नेक को कटिंग करती हूँ। तो ये हमने पूरी पाइपिंग्स को इस नेक पे ऐसे अटैच कर लिया है। अब जो बीच का पार्ट है इसकी मैं कटिंग कर दूंगी आधा इंच छोड़ते हुए, और बिल्कुल बारीक बारीक जितना हमारा पाइपिंग के नीचे कपड़ा रहे उतना ही हमें रखना है, बाकी सारे जो है उसको कट कर देना। देखिए ये भी थोड़ा ज्यादा है तो इसको आप कम कर लें, इतना ही रखें ताकि जब हम ऐसे पाइपिंग फोल्ड करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से ये फिनिशिंग तरह से ऐसे फोल्ड हो जाए, नीचे कुछ भी नजर ना आए। कटिंग कैसे करना है, देखिए पाइपिंग को हल्का सा ऊपर कर लें ऐसे, पूरी पाइपिंग लगाने का और फोल्ड करने का आपको इसमें तरीका मिलेगा। इस प्रकार से बिल्कुल इसको पाइपिंग को थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लें, ताकि आपको ध्यान रहे कि आप कहाँ कटिंग कर रहे हैं, ऐसे आपको कटिंग करना है। कट करने के बाद आप इसको इस पे जो हमारा ब्लाउज का कपड़ा है इस पे कट लगाना है। आपको पाइपिंग पे कट नहीं लगाना है, सिर्फ जो ब्लाउज का ये कपड़ा होता है इस पे आप ऐसे कट लगा लें। ये मैंने इसकी चारों साइड पे ऐसे थोड़े थोड़े कट लगा लिए हैं ताकि मैं इसको फोल्ड कर सकूं। और ये देखिए ये हमने इसको फोल्ड कर लिया है, और ये बहुत अच्छे से फोल्ड भी हो जाता है। तो ये नेक अब छिटका नहीं है। अगर मैं इसको कटिंग करके फिर ये पाइपिंग अटैच करती तो ये नेक अपनी कंट्रोल में नहीं था, ये पाइपिंग जो इतनी अच्छी से नहीं लग पाती। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि इसको पहले मार्किंग करके फिर पाइपिंग अटैच करती हूँ, फिर कट करके इसको ऐसे फोल्ड कर देते हैं हम लोग, अंदर की साइड में ऐसे फोल्ड कर देते हैं। तो ये पाइपिंग बहुत अच्छे से हमारी अटैच हो जाती है, इसकी फिनिशिंग तो आ जाती है। अब हम इसकी जो बीच की डिजाइन है, हमारी कटोरी की जो डिजाइन है वो लगाएंगे। तो ये पाइपिंग आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा।